सुप्रीम कोर्ट के सामने हियरिंग हुई उसमें एक बात स्पष्ट है कि ममता बनर्जी की सरकार बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, केवल और केवल सच दबाओ, सबूत मिटाओ और बलात्कारी बचाओ कर रही थी। और सुप्रीम कोर्ट के सामने खुलकर आ गया कि कैसे एक व्यापक व्यवस्थागत संस्थागत तरीके से कवर अप करने का पूरा प्रयास किया गया। सुसाइड की शक्लें दी गई पहले, प्रिंसिपल ने तुरंत पेरेंट्स को किस प्रकार से बॉडी नहीं दिया, हमने देखा है कि FIR के रजिस्ट्रेशन में भी डिले करवाया गया और पेरेंट्स को किसी भी तरीके से मदद नहीं की गई। और सुप्रीम कोर्ट की ये NTF यानी कि नेशनल टास्क फोर्स के 14 सदस्य होंगे, कौन कौन वो है सिलसिलेवार तरीके से यहाँ ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम आपको दिखा रखे हैं। RK सरियन सर्जन वाइस एडमिरल जो हैं वो इसके सदस्य होंगे, इनके अलावा डॉक्टर एम श्रीनिवास जो डायरेक्टर हैं एम्स के दिल्ली के वो इसमें शामिल होंगे, प्रोफेसर अनिता सक्सेना कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कार्डियोलॉजी के हेड हैं एम्स दिल्ली में वो इसमें शामिल होंगी, इनके अलावा डॉक्टर गोवर्धन दत्तपुरी डायरेक्टर हैं एम्स के वो इसमें शामिल होंगे जोधपुर के, और इधर डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव मतलब अलग अलग जगहों से अलग अलग राज्यों से, देखिए ये पूरी एक आप ये कह सकते हैं कि एक जो पूरा कमेटी है वो यहाँ पर बनाई गई है, 14 सदस्य इसमें हैं। डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव जो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की हैं एम्स से वो इसमें शामिल होंगी, इनके अलावा डॉक्टर नागेश्वरी रेड्डी मैनेजिंग डायरेक्टर AIMG के वो इसमें होंगे, डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति निमहांस बेंगलुरु से वो इसमें शामिल होंगी, डॉक्टर सौमित्र रावत मैनेजिंग मेंबर गंगाराम अस्पताल के वो इसमें होंगे, इनके अलावा बात करें प्रोफेसर पल्लवी सापे डीन GMC की मुंबई से वो इसमें शामिल होंगी, कैबिनेट सचिव भारत सरकार गृह सचिव भारत सरकार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के जो सचिव हैं वो इसमें शामिल होंगे, अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे, इनके अलावा इसके साथ ही साथ नेशनल मेडिकल कमीशन के ये अध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स। तो ये वो 14 सदस्य नेशनल टास्क फोर्स जो हम यहां पर आपको बता रहे हैं और ये सुनिश्चित करेंगे क्या वो तौर तरीके हों, इनके सुझाव भी उसमें लिए जाएंगे। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया आई वो आपको सुनवाते हैं। बंगाल सरकार की तरफ से सिब्बल साहब ने बोला कि 7,000 लोग आ गए थे इसलिए पुलिस भाग गई। तो सवाल ये बनता है कि 7,000 लोग एकाएक आए कैसे? 500 लोगों का ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम के लिए कम से कम एक हफ्ते मेहनत करनी पड़ती तब 500 लोग इकट्ठा हो पाते हैं। तो ये सॉलिसिटर जनरल ने बोला कि ये 7,000 लोग किसके कहने पे आए, कहाँ से आ गए, एकाएक एक घंटे के नोटिस पे, दो घंटे के नोटिस पे, और वो किसको बचा रहे थे? आखिर ये 7,000 लोग जो आए जिन्होंने पीटना शुरू किया उसमें बहुत सारी डॉक्टर्स ने बाकायदा ईमेल किया हुआ है, डॉक्टर्स ने बाकायदा चीफ जस्टिस को भी चिट्ठी लिखा है, वहाँ के DGP को भी चिट्ठी लिखा है, और इस समय वहाँ पर टोटल 7,700 डॉक्टर में से केवल 100 काम कर रहे हैं, 600 भाग चुके हैं। तो दीदी पर यानी ममता बनर्जी पर, ममता सरकार पर सुप्रीम कोर्ट आज कठोर आज सख्त नजर आया, कोलकाता रेप केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की, सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को जमकर फटकार लगाई, बंगाल पुलिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए, बंगाल पुलिस के DGP को बदला जाए ये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से ये कहा गया, पीड़ित परिवार को बॉडी नहीं देखने दी गई ये भी उसमें कहा गया, किस तरह की गलत जानकारी जो है वो परिवार को दी गई थी, प्रिंसिपल ने इसे सुसाइड बताने की कोशिश की ये टिप्पणी भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई, वहां बहुत ही गंभीर वारदात हुई है ये भी कहा गया कोर्ट द्वारा, FIR देर से दर्ज होने पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त नाराजगी है, ये नाराजगी जाहिर की गई, ये टिप्पणी की गई कि देर रात तक FIR दर्ज नहीं होती, ये वो तमाम मामले हैं जो शक जो पैदा करते हैं, संदेह पैदा कर देते हैं, वारदात के वक्त पीड़ित परिवार नहीं था वहां पर, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अस्पताल प्रशासन को FIR करानी चाहिए थी, क्यों नहीं कराई गई, क्यों उसमें देरी की गई, इस तरह के तमाम सवाल और साथ ही साथ कड़ी टिप्पणी कड़ा प्रहार करते हुए सुप्रीम कोर्ट यहां पर नजर आया। लेकिन इसी पर अश्विनी उपाध्याय जो वकील हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुनिए। 700 डॉक्टर में से 100 केवल 100 वहां पे बचे हुए हैं, बाकी 600 निकल गए, ऐसा नहीं कि केवल लेडीज डॉक्टर गई हैं, जेंट्स डॉक्टर भी खौफ में हैं, जेंट्स डॉक्टर भी चले गए वहां से, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने CISF को लगाया है। मुझे लगता है कि इससे बड़ा और कोई सदमा नहीं हो सकता, या इससे बड़ा मतलब किसी स्टेट के लिए शर्मनाक घटना नहीं हो सकती है
कि बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को डॉक्टरों के प्रोटेक्शन के लिए, डॉक्टर जो सबकी जिंदगी बचाते हैं वो अपनी जिंदगी नहीं बचा रहे, और उनको बचाने के लिए बाकायदा सेंट्रल गवर्नमेंट से कहना पड़ रहा है कि आप इस पर CISF लगाइए, इनको सिक्योर करिए, उनका कॉन्फिडेंस आप बढ़ाइए, क्योंकि डॉक्टर घबराए हुए, जो खुद डॉक्टर घबराया हुआ है दूसरों का इलाज कैसे करे। तो सवालों में है दीदी की पुलिस, और किस तरह से कोर्ट ने ममता सरकार को भी, ममता बनर्जी को भी खूब सुनाया, ये हम आपको यहाँ पर बता रखे हैं। ये तीन यहाँ पर इस वक्त जो पैनल है वो यहाँ पर गठित किया गया था, और CGI चंद्रचूड़ द्वारा क्या कुछ कहा गया ये हम आपको बता रहे हैं, सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि किसने यहाँ पर क्या कुछ कहा। तो एक एक कर अगर हम वो तमाम जो ग्राफिक्स हैं वो यहाँ पर फायर करें, तो उसके जरिए कि किस तरह से यहाँ पर जो टिप्पणी है वो दरअसल कोर्ट द्वारा की जाती है, खुद ही सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले का जो संज्ञान है वो दरअसल लेता है, और फिर इस पर सवाल भी पूछे जाते हैं, वो तमाम जो लूप होल्स हैं उनके बारे में भी यहाँ पर पूछा जाता है कि आखिर ये गड़बड़ियाँ जो हैं वो क्यों की गई, या ये जो एक्शन उस वक्त लिया जाना चाहिए था ये आखिर क्यों नहीं लिया गया। तो किस तरह से सवालों में दीदी है और उनकी नाकाम पुलिस है। CGI DY चंद्रचूड़ की सबसे पहले बात करें तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। मिस्टर सिब्बल यहां पर ये कहते हुए नजर आए DY चंद्रचूड़, उन्होंने कहा कि महिला डॉक्टर्स को उनके नाम से बुलाया गया, ये पहचान उजागर करने को लेकर दरअसल, और ये बता रहे थे कि किस तरह से ये अपराध है, आपने कैसे ये होने दिया, और उन्हें धमकी दी गई। क्या धमकी दी गई ये हम आपको बता रहे हैं, उनका भी वही हाल होगा जो मृतक का हुआ है, ये यहां पर कहते हुए जो प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स दरअसल है। पुलिस कैसे भाग गई ये कहा गया, पुलिस का क्या काम था, पुलिस क्यों वहां पर नहीं थी, और कैसे इस तरह की टिप्पणियां जो हैं वो की गई, ये कोई सामान्य शिकायत नहीं है, पुलिस कर क्या रही है, ये पूछा DY चंद्रचूड़ ने जस्टिस पारदीवाला। उन्होंने क्या कहा कि हमने डॉक्टर्स से काम पर लौटने की अपील की है, ये सभी डॉक्टर्स से वहां पर कहा गया जो भी हड़ताल पर, जो भी प्रदर्शन दरअसल डॉक्टर वहां पर कर रहे हैं उन्हें, क्योंकि वंचित तबके के लोग परेशान हैं, उनको इससे परेशानी हो रही है। अब अगर हम पुलिस से इन महिला डॉक्टरों को जिनको प्रदर्शन के दौरान जिस तरह से आपने देखा कि वो लाठीचार्ज भी होता है, किस तरह से उनको वहां पर खदेड़ने की कोशिश की जाती है सुरक्षा देने के लिए कहें, तो फिर क्या ये पुलिस डॉक्टर्स की सुरक्षा क्या करेगी, ये सवाल पूछा गया। कौन सी पुलिस अस्पताल की सुरक्षा करेगी ये बताया जाए, जस्टिस पारदीवाला ये पूछ रहे थे। फिर CGI चंद्रचूड़ क्या कह रहे हैं कि CISF को RG कर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा की जिम्मेदारी दें, ये कहा गया कि CISF को ये जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। ये वो तमाम, क्योंकि नाकाम थी पुलिस शुरू से ही, किस तरह से सवालों के घेरे में रही उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने तमाम टिप्पणियां की। अब इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का क्या कुछ कहना है, आइए आपको ये सुनवाते हैं। TMC के लोग अब फ्रस्ट्रेशन में हैं। आज उनके सांसद, उनके नेता थ्रेट कर रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं कि ममता दीदी के तरफ अंगुलियां उठेगी तो अंगुलियों को तोड़ दूंगी। बंगाल का एक एक हाथ, एक एक लोगों की अंगुलियां ममता बनर्जी के तरफ जा रहा है कि ये गुंडों को प्रश्रय देती, बलात्कारियों को प्रश्रय देती, उसके सबूत को छुपाती, बलात्कारियों को बचाने का काम करती, इनको अब तक इस्तीफा देना चाहिए। तो डॉक्टर बेटी को इंसाफ कब, ये जो तीन जजेस का जो पैनल है इस वक्त यहां पर आप देख रहे हैं, CGI DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा। किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, तीन जजेस की जो बेंच है वो सख्त टिप्पणी आज करती है और इस मामले को बताती है कि ये सिर्फ एक खतरनाक, ये भयानक सिर्फ एक मर्डर का मामला नहीं है, ये यहीं तक सीमित नहीं है, ये सभी डॉक्टर्स की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का ये मामला है। वो तमाम फैसिलिटीज जो मांग दरअसल कर रखे हैं डॉक्टर्स, उन बातों को भी यहां पर उठाते हुए अपने अपने उस टिप्पणी के दौरान कहते हुए तीन जजेस का जो ये पैनल है। लेकिन किस तरह से जो सवालों के घेरे में है पुलिस और साथ ही साथ ममता सरकार, क्या सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किए, वो एक एक कर तमाम सवाल आपके साथ आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम यहां पर रख रखे हैं। पहला सवाल ये कि पीड़ित परिवार को देर से इस बाबत जानकारी क्यों दी गई, क्यों नहीं तुरंत उनको इस बारे में जानकारी दी गई, इस बारे में इत्तला किया गया।
दूसरा सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा वो ये कि पीड़ित परिवार को बॉडी क्यों नहीं दिखाई गई, आखिर क्यों इस तरह की जो हरकतें हैं वो की गई पुलिस द्वारा। तीसरा सवाल ये क्योंकि परिवार ने ये आरोप लगाया था, गंभीर आरोप कई परिवार ने लगाए थे, उसके बाद ये सवाल पूछा गया। तीसरा सवाल ये कि एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों हुई, क्यों नहीं तुरंत जो एफआईआर है, और देखिए अब तो इस पर मामला ये आया भी है। इसी मामले के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय की अगर बात करें तो उनकी ओर से ये निर्देश जारी किया गया है कि 6 घंटे के भीतर अगर इस तरह का कोई भी मामला आता है तो उस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए।